आज बिहार के दौरे पर रहेंगे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे आदित्य ठाकरे। दोनों के बीच विपक्षी एकता पर बातचीत होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी हो सकती है चर्चा। तो फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं आदित्य ठाकरे। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि जो ये मीटिंग है, जो ये मुलाकात होगी तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की, ये मुलाकात बेहद जरूरी है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम सीएम नीतीश कुमार ने शुरू की है और उस मुहिम में पूरा सहयोग कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसे में बड़ी प्राथमिकता तेजस्वी यादव की, यहां तक कि महागठबंधन की, यही है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए। एक एक करके विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की जो रणनीति और नीति तैयार की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, उसे लागू भी किया जा रहा है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, जब आरजेडी और जेडीयू ने, दोनों ने हाथ मिलाया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बना था वो ये कि नीतीश कुमार अब पीएम बनना चाहते हैं और पीएम बनने के संदर्भ में ही विपक्षियों को एकजुट करने की रणनीति तैयार की गई है। हालांकि इस चीज को लेकर, इस बयान को लेकर, इस बात को लेकर साफ तौर पर नीतीश कुमार ने इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी ललसा मुख्यमंत्री के अलावा पीएम बनने की बिल्कुल नहीं है। मैं मुख्यमंत्री बनकर खुश हूं, अपने राज्य में पूरी तरह से विकासीय कार्यों को मैं धार दे रहा हूं। लेकिन ऐसे में साफ तौर में उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्ष को एकजुट करना भी उनकी बड़ी प्राथमिकता रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार ओझा जुड़ गए। विकास, फिलहाल आदित्य ठाकरे बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, क्या जानकारी, कब तक वो पहुंचेंगे और कितने दिनों तक उनका दौरा ये रहने वाला है? देखिए पूजा, आदित्य ठाकरे आज दिन के तकरीबन 12 बजे के आसपास पटना पहुंचेंगे और ये मुंबई से पटना पहुंचेंगे और बिहार के पटना में जब वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, ये बैठकों का दौर जो है वो चलेगा तकरीबन 2 घंटे तक। उसके बाद जो है आदित्य ठाकरे यहाँ से रवाना होंगे मुंबई के लिए। कुल मिलाकर इन तमाम जो मुलाकात होगी आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव में, इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि पूरे देश भर की जो विपक्षियां पार्टी हैं उसे एकजुट करने के दृष्टिकोण से भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है। जी पूजा, विकास, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में जो सेंधमारी का काम किया गया वो हम सभी ने देखा, किस तरह से सत्ता परिवर्तन वहां पर देखने को मिला था, ठीक वैसे ही अब जो ये मुलाकात हो रही है इसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने, उसी के संदर्भ में ये मुलाकात है। तो क्या उसी के संदर्भ में मुलाकात है या और भी कुछ बातचीत दोनों के बीच हो सकती है, कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं चर्चा के? देखिए पूजा, ये जो मुलाकात है वो 2024 के चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के ख्याल से ही की जा रही है और उसी के लिए आदित्य ठाकरे जो है वो आ रहे हैं बिहार और तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो मुंबई में हुआ वो बिहार में नहीं हो सका और उससे पहले ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। तो निश्चित तौर पर जो तेजस्वी यादव है वो जो जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में आती है उसके बिल्कुल बिल्कुल उलट तेजस्वी यादव सत्ता में आए बिहार में। तो निश्चित तौर पर जो आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी तो तमाम विपक्षी पार्टियों को कैसे एकजुट रखा जाए, कैसे एकजुट होकर बीजेपी से उसका मुकाबला हो किया जाए 2024 में, उसको लेकर रणनीति बनेगी और इसी को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी पूजा, ठीक है, देखिए देखना होगा विपक्षी एकजुटता आखिर बीजेपी को मात देने में कितनी सफल होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पहुंच रहे हैं बिहार, क्या गहनता से जांच की जाएगी, बातचीत की जाएगी, देखने वाली बात होगी। विकास, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।